19 जून को राज्यसभा के चुनाव होने हैं और पर्चा दाखिल करने की आज आखिरी तारीख थी, लेकिन देखिए किस तरह से राज्यसभा का चुनाव बिहार में खासतौर पर रोमांचक हो गया है। राज्यसभा के लिए आज जनता दल यूनाइटेड की तरफ से अध्यक्ष शरद यादव, जो हाल ही में लोकसभा चुनाव हार गए हैं, और उनके अलावा पार्टी महासचिव मौलाना गुलाम रसूल बलियावी और पवन कुमार, पूर्व आईएएस अधिकारी, इन तीनों ने नामांकन भरा। नामांकन भरने के समय प्रदेश के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नरेंद्र सिंह मंत्री हैं और इनके अलावा जेडीयू के कई दूसरे नेता मौजूद थे। लेकिन खास बात यह रही कि जेडीयू के तेज तर्रार प्रवक्ता रहे साबिर अली, हाल के दिनों तक वो जेडीयू में थे, और दूसरे अनिल शर्मा, जिन्होंने जेडीयू की टिकट पर अभी हाल में चुनाव लड़ा है, और दिलीप जायसवाल ने भी राज्यसभा सीट के लिए नामांकन भर दिया है, और इन्हें जेडीयू के नाराज विधायक ज्ञानेंद्र ज्ञानू, पूनम देवी और राजकुमार सिंह राजू का समर्थन मिल रहा है, और इसके अलावा बीजेपी के विधायकों ने भी इन्हें समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। नामांकन से पहले साबिर अली ने सुशील मोदी से मुलाकात भी की है। भारतीय जनता पार्टी के करीब हो गए हैं साबिर अली, और राजनीति के जानकार तो यहां तक कह रहे हैं कि शरद यादव की जीत पक्की है, लेकिन जेडीयू के दो अन्य उम्मीदवार हार भी सकते हैं। बताया तो यह भी जा रहा है कि इस बार चुनाव में क्रॉस वोटिंग हो सकती है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के कई विधायक नीतीश कुमार से नाराज हैं और उनका यह कहना है कि अगर राज्यसभा में दूसरे लोगों को टिकट दिया जा रहा है, वैसे लोगों को दिया जा रहा है, एमएलसी बनाया जा रहा है जो कि पार्टी से दूर थे, तो फिर हम इसका समर्थन नहीं करेंगे, और ऐसे में अगर हार हो जाती है तो क्या ये हालात आसान होंगे नीतीश कुमार के लिए, और क्या एक नैतिक जिम्मेदारी उन पर नहीं आती है कि अपने उम्मीदवारों को जिता नहीं पाए, क्रॉस वोटिंग हो गई। ये सवाल तब 19 जून को जब नतीजे आएंगे। लेकिन देखिए कुछ नतीजे तो अभी से आ गए हैं, क्योंकि आपको एसएम कृष्णा का याद होगा। एसएम कृष्णा यानी कि देश के पूर्व विदेश मंत्री, राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री भी कर्नाटक के, लेकिन इस बार जब बारी आई राज्यसभा में मिलना था नामांकन या नहीं मिलना था, तो कांग्रेस आलाकमान ने तय कर लिया अब उन्हें नामांकन नहीं दिया जाएगा। 83 साल उम्र उनकी, लेकिन वयोवृद्ध नेता, पुराने नेता और कर्नाटक कांग्रेस की जान कहे जाने वाले एसएम कृष्ण को इस बार नामांकन नहीं मिला है राज्यसभा का। बीके हरिप्रसाद और एसएम कृष्ण दो नाम थे जिनकी राज्यसभा की सीट खत्म हो रही थी, दोबारा से नामांकन की जरूरत थी, बीके हरिप्रसाद को दे दिया गया, लेकिन एसएम कृष्णा की जगह राजीव गौड़ा को दिया गया है, जो कि कांग्रेस के नए नेता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर में प्रोफेसर भी हैं, और इस तरह से कह सकते हैं कि जो उम्रदराज नेता हैं, बुजुर्ग नेता हैं, उन्हें भारतीय जनता पार्टी में ही दरकिनार करने का सिलसिला रही है, कांग्रेस में भी वो सिलसिला शुरू हो गया है। चलिए जाने का वक्त हो रहा है, लेकिन जाते जाते आपको एक खबर और बताते हैं। फिल्म स्टार और राज्यसभा सांसद मिथुन चक्रवर्ती आज पहली बार संसद पहुंचे। 25 लोगों ने आज संसद में इस्तीफा, उन्होंने आज अपना पदभार ग्रहण किया है, शपथ लिया है। मिथुन चक्रवर्ती उसमें से एक हैं राज्यसभा में, और मिथुन चक्रवर्ती टीएमसी से आते हैं, राज्यसभा सांसद बने हैं। बाहर निकलने के बाद मिथुन चक्रवर्ती ने राष्ट्रपति के अभिभाषण की तारीफ भी की। पहले सुनिए कि किस तरह से मिथुन चक्रवर्ती ने क्या कहा। फर्स्ट आई वॉज वेरी नर्वस कि वो हमारी जगह नहीं है, हम तो फिल्म वाले हैं, नर्वस था, लेकिन शपथ के बाद थोड़ा ठीक हो गया हूं। और बेटर आई थिंक इज वेरी वेरी पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव। अब देखिए पेज क्या है। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा बहुत पॉजिटिव है, वो जो सवाल था कि राष्ट्रपति का भाषण आपको कैसा लगा, तो उन्होंने कहा बहुत पॉजिटिव, बहुत सकारात्मक। विपक्ष है तृणमूल कांग्रेस, और विपक्ष का ये फर्ज होता है कि वो उस भाषण को हमेशा कहे कि इसमें कुछ दम नहीं था, पुरानी बातें थी। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती फिल्मी दुनिया से आते हैं, और चाहे सहयोगी हो चाहे कोई और कलाकार, हमेशा उसकी फिल्म को बेहतर फिल्म, अच्छी फिल्म ही कही जाती है, लेकिन यहां सियासत है, फिल्मों से जुदा है, और यहां बयान बदलते हैं, और कभी कभी कहना पड़ता है कि अच्छा भाषण नहीं था, लेकिन आज थोड़ा चूक गए मिथुन। अब देखते हैं आने वाले दिनों में ये अभिनेता नेता कैसे बनता है। हमें दीजिए इजाजत, और आपसे कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।